आप आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आलू का पकौड़ा बनाना बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये मैंने लगभग 100 ग्राम बेसन लिया है और बेसन में मैं थोड़ा सा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ, 2 चुटकी सोडा डालूंगी, थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी और इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं मिक्स करूंगी। बहुत ज़्यादा इसको ना गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते जाना है। देखिए ये बैटर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसको लगभग 5 मिनट तक मिक्स करना है और जितना मैं पतला बैटर बनाऊंगी उतना ही आप बनाइएगा, उससे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इसको खूब अच्छी तरह से इसको फेंटिए। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको थोड़ा और पानी डाल के और थोड़ा पतला करेंगे। अच्छी तरह से फिर जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, लगभग आधा चम्मच। उसके बाद से फिर इसे हम फेटेंगे। बैटर हमारा कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए अलग ढक के रख देंगे। तो इसको हम साइड कर देते हैं। अभी हमने 4 आलू उबाल के उसको मिक्स कर लिया है। उसको अब इसमें क्या मिलाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आधा चम्मच नमक, क्योंकि आधा चम्मच बैटर में भी मिला हुआ है, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे पकोड़े। शाम के चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये, झटपट बन भी जाता है। अब आलू देखिए हमने मिक्स कर लिया, आलू धनिया हरी मिर्च और नमक ये चारों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी हम गोलियां बना के एक साइड में रखते जाएंगे। जैसा कि हमारा ये प्लेट है इसमें मैं छोटी छोटी गोलियां बना के रखते जाऊंगी। जितना आटा है जितना आलू है सारे का मैं ये गोलियां बना लूंगी। जब तक हम गोलियां बना रहे हैं तब तक इधर गैस पे हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख दिए हैं। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। इतना तेल डालेंगे जिससे कि पकौड़े हमारा बढ़िया ढंग से बन जाए। अब हम इस बैटर में ये आलू की गोलियों को डाल देंगे, डुबा देंगे सारा। डुबाने के बाद सारा अच्छी तरह से डूब जाए। ये आलू की गोलियां बेसन में डूब गई और एक एक बेसन की गोलियां निकाल के हम कढ़ाई में
तलेंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे। पकौड़े थोड़ा सा पक जाएंगे, धीरे धीरे हम इसे पलट देंगे। अभी हम सारे पकौड़ों को ऐसे पलट देंगे, दूसरी साइड में भी ये पक जाएगा। इसमें बेसन का कच्चा पानी निकालना है और सब तो पका हुआ है। ये हमारा झटपट का नाश्ता है शाम के चाय के साथ, और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। चलिए अब देखते हैं हमारा पकोड़ा कितना बना है। देखिए हमारा पकोड़ा चारों तरफ से बिल्कुल तैयार, इसको हम निकालेंगे। देखिए हमारा पकोड़ा बनके ऐसे तैयार होगा। दोस्तों हमारा पकौड़ा बनके तैयार हो गया। अब इसे देखते हैं ये कैसा लगता है, इसको तोड़ के देखते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।